दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट अपडेट दवाओं के बारे में आपको मिलते रहे। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों। आज का यह वीडियो ब्लड प्रेशर के जो मरीज है उनके लिए मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे टेलमिसार्जन टेबलेट जो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, और जानेंगे इस ब्लड प्रेशर को ठीक करने के अलावा इस टेबलेट के क्या क्या कार्य हैं, साथ ही मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी आपको किस नाम से मिल जाती है, इस दवा को कितनी मात्रा में आपको लेना चाहिए और क्या इस दवा के साथ कोई और ब्लड प्रेशर की दवा आप ले सकते हैं, इस दवा के साइड इफेक्ट और कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब किन किन व्यक्तियों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए, तो ये सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि संपूर्ण जानकारी आपको टेलमिसार्जन टेबलेट के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित आदिच और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए या फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। टेलमिसार्जन एक एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट टेबलेट है जो कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और इसे हम शॉर्ट में ARB भी कहते हैं। टेलमिसार्जन टेबलेट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक दवा है जो कि कॉम्बिनेशन तथा सिंगल साल्ट दोनों में अवेलेबल है। टेलमिसार्जन कॉम्बिनेशन जब मार्केट में अवेलेबल रहता है तो ये टेलमिसार्जन के साथ हाइड्रोक्लोरथाइजाइन या टेलमिसार्जन का एम्लोडिपिन भी आ सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ टेलमिसार्जन टेबलेट सिंगल साल्ट के बारे में जानेंगे और आने वाले वीडियो में हम इसके कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। टेलमिसार्जन जो टेबलेट है इसका जो वर्क प्रोसेस है एज टू ए सेम टू सेम लोसार्टन की तरह है। आप सभी ने मेरा वीडियो लोसार्टन का देखा होगा, और यदि आप में से किसी ने नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके लोसार्टन का वीडियो आप देख सकते हैं। कंप्लीट डिटेल उसमें दी गई, साथ में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। टेलमिसार्जन टेबलेट 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है और ये अनकोटेड टेबलेट होती है। यह टेबलेट आपको मेडिकल स्टोर से टेलमिसार्जन जो इसका जेनरिक नाम है इससे मिल जाएगी, और इसके अलावा भी कुछ इसके ब्रांड नेम है जिससे आपको मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी मिल जाएगी। जैसे कुछ पॉपुलर इसके ब्रांड नेम है इसमें टेलमा टेबलेट, टेलप्रेस टेबलेट, टेलमिकाइन टेबलेट, मेकीडेस टेबलेट, ये कुछ इसके ब्रांड नेम। इसके अलावा भी आप स्क्रीन पे कुछ इसके ब्रांड नेम देख पा रहे हैं, और इसके अलावा भी खूब सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल रहते हैं जो डॉक्टर और एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग रहते हैं। दोस्तों, आप में से जिसको ये टेबलेट चल रही है तो आपने जरूर से देखा होगा, यदि आप इसकी ब्रांड नेम है टेलमा 40, वो अगर केमिस्ट से फार्मेसी से मांगते हैं, कई बार उनके पास अनअवेलेबल होने की स्थिति वो टेलमिकाइंड या कोई दूसरी आपको ब्रांड दे देते हैं और कहते हैं दोनों ही सेम है, तो दोस्तों बिल्कुल ही राइट है वो फार्मासिस्ट, क्योंकि इन दोनों का जो कंटेंट होता है टेलमिसार्जन ही होता है, इन दोनों बिल्कुल ही डिफरेंस नहीं होता है। जब भी आप टेबलेट ले तो अच्छी सी कंपनी देख के टेलमिसार्जन साल्ट दे के ले सकते हैं, और बाद में फिर आपको जो रेगुलर टेबलेट चले आप उसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसका ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ब्रांड नेम के बारे में। अब जानते हैं इसका यूज क्या क्या है, किस बीमारी में इसका प्रयोग लिया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टेबलेट का प्रयोग हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए किया जाता है। सामान्य जो ब्लड प्रेशर रहता है 120/80 रहता है, यह सामान्य ब्लड प्रेशर, इससे अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर होने के कुछ कारण है, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति के परिवार में किसी बुजुर्ग को पहले ब्लड प्रेशर रहा है इस कारण से उसको ब्लड प्रेशर हो सकता है, ज्यादा नमक का सेवन यदि कर रहा है, शराब का नशा या किसी प्रकार का नशा वो कर रहा है, या उसको ज्यादा टेंशन हो रही है, किडनी की समस्या उसको है, या लाइफ स्टाइल उसकी लेजी है, मतलब बिल्कुल आलसीपन से बिस्तर से उठते ही नहीं है, खा पी के सो जाते हैं, उन व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर हाई रहने की समस्या के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस ब्लड प्रेशर हाई को नॉर्मल करने के लिए टेलमिसार्जन 40 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम की अलग अलग टेबलेट पेशेंट के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को हार्ट फेल्यूर की समस्या हुई, हार्ट फेल्यूर वो स्थिति है जब आपका हार्ट प्रॉपर रूप से पंप नहीं कर पाता और जो पंपिंग है पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं कर सकता है, जिस कारण से व्यक्ति को पूरे दिन थकान सी रहती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उसको रहती है, पूरी बॉडी में उसको स्वेलिंग सी आ जाती है स्पेशली पाँव में, तो ऐसी स्थिति को हम हार्ट फेल्यूर कहते हैं। और इस स्थिति में भी डॉक्टर द्वारा यह टेलमिसार्जन पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है, बहुत ही अच्छा पेशेंट को फायदा होता है। और इसके अलावा डायबिटिक नेफ्रोपैथी नाम से एक बीमारी जिसे हम डायबिटिक किडनी प्रॉब्लम भी कहते हैं, इसमें जो डायबिटिक के मरीज हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, उनको किडनी के संबंधी समस्या होती है जिससे कि बॉडी का जो प्रोटीन है यूरिन के
थ्रू बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे बॉडी कमजोर होने लगती है। इसे रोकने के लिए भी डॉक्टर द्वारा ये टेलमिसार्टन टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको टेलमिसार्टन टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है और वो घबराने लग जाए, उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी को ट्रीट करने के लिए लिखी जाती है। तो इसके कुछ यूज से अगर शॉर्ट में बात करें तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए टेलमिसार्टन टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट टेबलेट के हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को इसका साइड इफेक्ट होता है तो सबसे पहला साइड इफेक्ट होगा, तो व्यक्ति को श्वास नली जो है आपकी जो यूआरआई है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसमें आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। साथ ही 10 व्यक्ति को लग सकती है, उसको पूरे चेहरे पे सूजन आ सकती है। ऐसे कुछ साइड इफेक्ट आपको तुरंत मिल सकते हैं। और कुछ लंबे समय बाद अगर साइड इफेक्ट देखें, कुछ टाइम तक आपने टेबलेट ले लिए तो आपको किडनी से संबंधित कोई समस्या हो जाएगी, आपका जो ब्लड प्रेशर है लो रहने लग जाएगा, आपकी आंखों के नीचे और पूरे शरीर में सूजन सी आ जाएगी, ये कुछ स्थिति आपको सामना करना पड़ सकता है। और हो सकता है इन सभी साइड इफेक्ट के अलावा भी कुछ और साइड इफेक्ट आपको देखना पड़े। तो यदि आप ऐसा महसूस करें तो तुरंत इस दवा का सेवन बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। और इन साइड इफेक्ट में से यदि आपको एडिमा, जिसे हम पूरी बॉडी में स्वेलिंग बोलते हैं, यदि ये लगे तो आप तुरंत एक लिवोसिट्रिजिन की टेबलेट लेकर उससे निजात पा सकते हैं। अब इसकी डोज को जान लेते हैं, कितनी मात्रा में व्यक्ति को, मरीज को डॉक्टर द्वारा दी जाती है। सामान्यतः यह टेबलेट दिन में एक बार खाने के बाद डॉक्टर द्वारा मरीज को दी जाती है। और यह टेबलेट बिल्कुल पूरे दिन में एक बार ही दी जाएगी, क्योंकि इसका जो असर है 3 घंटे में शुरू हो जाता है और 24 घंटे तक इसका असर रहता है। यह टेबलेट आप खाने के बाद तथा खाने के पहले दोनों ही समय ली जा सकती है। यदि व्यक्ति सुबह नाश्ते के बाद इस टेबलेट को ले तो बहुत ही अच्छा उसको असर मिलता है। और इमरजेंसी केसेस में डॉक्टर द्वारा खाने के पहले भी यह टेबलेट पेशेंट को दी जाती है। और यह टेबलेट 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है, जो कि पेशेंट की कंडीशन पर डॉक्टर देते हैं। और इस टेबलेट के साथ अलग जो ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं, जैसे एम्लोडिपिन है, एनालेप्रिल है, हाइड्रोक्लोरथाइजेट जो डायुरेटिक के ब्लड प्रेशर में काम आती है, ये सभी भी दी जा सकती है। मतलब टेलमिसार्टन टेबलेट के साथ यदि किसी व्यक्ति को और भी कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही है तो बिल्कुल ही घबराने की बात नहीं है। उसको ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई हो गया है जो एक टेबलेट से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसलिए दूसरी टेबलेट भी उसको साथ में लिखी है, जिससे कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। आप उसे आराम से ले और जैसा कि आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, जैसा आपको सजेस्ट किया है, उसी तरीके से उसको ले, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सके। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, कौन कौन वह व्यक्ति है जो इस टेबलेट का सेवन नहीं कर सकते। सबसे पहले यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उस महिला को टेलमिसार्टन टेबलेट किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकती, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला के पेट में पल रहे बच्चे की वो डेथ कर सकता है, उसमें कोई भी डिफेक्ट पैदा कर सकता है जो बाई बर्थ ही उसको होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं सजेस्ट करता हूँ और जो रिकमेंडेशन है वो भी यही है, प्रेग्नेंट वुमन को नहीं दिया जाता है। साथ यदि कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसे भी ये दवा नहीं दी जाएगी, क्योंकि माँ के दूध के सहायता से वो बच्चे के शरीर तक पहुँच जाता है और कुछ नुकसान कर सकता है। और यदि किसी व्यक्ति को किडनी संबंधी प्रॉब्लम है तो उसे भी ये दवा नहीं दी जाएगी। लीवर संबंधी प्रॉब्लम जैसे फैटी एसिड है तो भी ये दवा डॉक्टर की सहायता से, डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेनी चाहिए, उसके बगैर आप नहीं ले। और यदि कोई व्यक्ति है जो शराब का सेवन करता है, किसी प्रकार का नशे का सेवन करता है, उसकी ब्लड प्रेशर हाई है, तो विशेष तौर से वो व्यक्ति डॉक्टर से मिले, अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, उसी के बाद ले, अन्यथा आपको किसी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती है जैसे आपकी जान बचाती है, उसी तरह जान भी ले सकती है, क्योंकि सडन जो आपका फॉल है इसमें ब्लड प्रेशर में बिल्कुल फॉल हो जाता है 120/80 नीचे आ जाता है, जिससे कि आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको केवल और केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही किसी भी प्रकार की ब्लड प्रेशर की या कोई भी और मेडिसिन लेनी चाहिए। तो दोस्तों मेरी ओर से सामान्य सी जानकारी पेशेंट के लिए ये टेलमिसार्टन टेबलेट के लिए थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर से दबाएं और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। साथ ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं मेरे वीडियो में आपको कुछ एडिशनल चीज चाहिए या कोई भी नई चीज आपको बताना भूल गया हूं तो मैं जरूर से नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में आपका इसका जवाब जरूर से दे दूंगा। और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कर दें और जो पास में बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और सबसे पहले मेरे वीडियो आप देख पाएंगे। आप थे अपने दोस्त मोहित दादीज के साथ और देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन।